सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी, और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन, हफ्ते के पहले कारोबार दिन, कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है, और उस पर ऊपर महत्व की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज़ में सोने और चांदी से। तो आज हम देख रहे हैं कि सोना $1810 पर खुला है, बढ़त देखने को मिल रही है, $1800 के पार निकला एक बार फिर से। और सिल्वर में देख रहे हैं कि $22.60 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, 1% की तेजी के साथ। देख रहे हैं कि आज सोमवार के दिन, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, सोने चांदी का वायदा बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो आज सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया रूपा जी। देख रहे हैं कि सोने एक बार फिर से $1800 के पार निकला है, और चांदी में 1.25% की तेजी है, अब $22.60 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। चांदी भी $23 की ओर अग्रसर होती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, गोल्ड और सिल्वर में ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, क्या उसका असर है, या फिर गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से तेजी बनना अब यहाँ से स्टार्ट हो गई है? देखिए, सोने और चांदी में मैंने पहले भी बताया था कि जब तक ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल रही है, उसी रेंज में फिलहाल सोना कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, उसका भी असर अभी फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और चांदी सोने के कंपेरिजन में ज्यादा तेजी के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। और अगर इसी तरह से अनिश्चितता फैलती है, तो डेफिनेटली सोने की बजाय चांदी में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है, और दोनों कमोडिटीज फिलहाल सेफ हेवन डिमांड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से बाइंग निकलती हुई दिखाई दे रही है। और आज इंट्राडे में भी एक्सपेक्टेड है कि सोना और चांदी आज बाइंग के साथ, ट्रेडिंग के साथ जो है वो कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं, आज एक बार फिर से खरीदारी हावी होती हुई दिखाई दे सकती है। और वैसे देखा जाए तो रेंज बाउंड है अभी भी मार्केट, कोई बहुत ज्यादा फिलहाल अपसाइड या डाउनसाइड बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर आज सोने की बात करें तो सोना 48,200 तक ऊपर जा सकता है, तो वहीं चांदी की बात करें तो 62,000 के स्तर आज $91.98 पर है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल $93.43 प्रति बैरल पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि कीमतें जो हैं, जो स्तर हैं, जो लेवल्स हैं, वो पहले के मुकाबले अब काफी तेज देखने को मिल चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या अब भारत में भी आने वाले दिनों में कच्चे तेल में तेजी का साथ चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों पर जल्दी देखने को मिलेगा? देखिए, अभी जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो फंडामेंटली काफी सपोर्टिव है, जिसके चलते इसके अंदर कंटिन्यूशन में तेजी बनी हुई है। और हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि WTI जो है वो $90 के ऊपर जा सकता है, आज आप देखिए $92 का हाई लगा दिया, जबकि ब्रेंट $94 के बेहद करीब पहुंच चुका है। तो यानी कि अभी यहाँ पर एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है। आज हल्की करेक्शन अगर इंट्राडे की देखें तो देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि MCX पर क्रूड जो है 7,000 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट के अलावा अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो वहां पर भी तेजी है, लेकिन यहां पर एक सपोर्ट आना बहुत जरूरी है। $92 के ऊपर अगर WTI निकल जाता है तो $95 के टारगेट आप मान के चलिए देखने को मिल सकते हैं, और ब्रेंट $98 से $100 तक भी ऊपर जा सकता है, जिस तरीके का भी फिलहाल सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सप्लाई नहीं बढ़ती है तो कच्चे तेल और की कीमतों में और ज्यादा यहां से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, और ब्रेंट $100 के स्तर को छू सकता है। तो यानी कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, आज इंट्राडे में करेक्शन देखने को मिल सकती है, लेकिन ऊपरी स्तर वहीं निचले स्तरों पर एक बार फिर से खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, यही सर। रूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि आज कॉपर $4.47 पर है, 0.5% की करेक्शन है। M6 जिंक मामूली सी करेक्शन के साथ है। M6 निकल $1768 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 1.5% की तेजी के साथ, और MCX लैंड $184 पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि बेस मेटल्स का जो बाजार है ठीक ठाक खुलता नजर आ रहा है, आज भी तेजी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, इंट्राडे में आज बेस मेटल्स में कैसा कारोबार रह सकता है, और आपकी तरफ से इंट्राडे के लेवल्स क्या रहेंगे?
देखिए अगर बेस बचत की बात करें तो पॉजिटिव अगेन बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी, और जहां तक लेवल्स की बात है तो इंटरडे के अगर लेवल की बात करें तो कोपर 758 से 760 तक की तेजी पकड़ सकता है, और नीचे में 752 तक है डाउनसाइड। और वहीं अगर बात करें निकल, निकल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और अब देखिए 1700 के बाद अगेन फिर $1768 पर हम इसको ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। अब यहां से मुझे लगता है कि निकल 1800 से लेकर 1820 तक की अपसाइड मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से हर निचले स्तर पर बेस मेटल्स में खरीदारी की रणनीति बनाकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि अभी फिलहाल सोने चांदी में बाइंग किया जा सकता है, और कच्चे तेल में निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं निकल में भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, 1820 तक के टारगेट के लिए निकल में भी बाइंग किया जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।